बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको लोगों को बताऊंगी कि पावर पॉइंट की स्लाइड में टेबल किस तरह इंसर्ट किए जाते हैं, यानी कि टेबल को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। ये टेबल इंसर्ट करने के लिए पहले हमने स्लाइड्स इंसर्ट कर ली हैं, अब हम जाएंगे मेन्यू बार में। मेन्यू बार में इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में ये टेबल ऑप्शन या टेबल पर क्लिक करेंगे। टेबल से ये जितनी आपको रो चाहिए, ये टेबल चाहिए, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। ये टेबल आपका इंसर्ट हो गया। इस कॉलम को ड्रैग करके आप लॉन्ग चार्ट विथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सेकंड तरीका इसका ये है कि इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू के बाद टेबल पे जाएंगे, इसके साथ जाएगा इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल जब पे जब हम क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप जितनी आपको रो चाहिए, जितने आपको कॉलम चाहिए, आप उसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे। यानी 5 आपको रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, इस तरह से। तो थर्ड इसका तरीका ये है कि हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे दोबारा। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद टेबल्स पे, टेबल पे जाएंगे, ड्रा टेबल, उसकी मदद से हम इसको ड्रैग करेंगे। ये ड्रैग हो गया, लेकिन ड्रैग इस तरह से हुआ कि ये जस्ट एक कॉलम है और एक रो है। अब इसको हमें रो ज़्यादा चाहिए या कॉलम ज़्यादा चाहिए, इसको हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद इस पे जाएंगे हम स्पेल सेल, यानी कि सेल को कितने हिस्सों में आप तकसीम करना चाहते हैं। तो ये इधर आप जितनी रो चाहिए उतनी आप रो की क्वांटिटी लिखेंगे, जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम की क्वांटिटी लिखेंगे। तो ये आपका कॉलम ऐड हो जाएगा टेबल में। अब इसमें आपने टेबल को ड्रैग करना है, तो राइट कॉर्नर पे एंड पे जो है एरो बना हुआ, उसको ड्रैग करेंगे। तो ये आप इसको बड़ा ये छोटा टेबल कर सकते हैं, ये ड्रैग करके इस तरह से। अब इसको आपका यानी कि ये इक्वल आ रहे हैं कॉलम। अब कोई कॉलम आपको बड़ा चाहिए या आपकी विड्थ कम चाहिए, तो आप इसको ड्रैग करके कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इस टेबल में चेंज कर सकते हैं। इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू व्यूवर्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।